मेर करो तृण ते मोहे जाए, गरीब नवाज न दूसर तो सो। पूल छिमो हमरी प्रभ आपन, पूलन हार कहूं कौमो सो। सेव करी तुमरी तिन्ही के सब ग्रह देखियत, दर्ब भरोसो या कल में सब काल कृपान के। पारी पुजान को पारी भरोसो, जामे अमृत ज्ञान है माणक भगत, बैराग श्री गुरु ग्रंथ साहिब योदद, बंदों करी अनुराग, एकंकारा सतगुरु तें प्रसाद सच होए। वाहे गुरु जी की फतेह है, बिघन विनाशन सोए। ज्यों बुलावें त्यों बोला स्वामी, कुदरत कवन हमारी, साध संग नानक जस गायो। जो प्रभु की अत प्यारी, साध संग नानक जस गायो। जो प्रभु की अत प्यारी। बाला प्रीतम सतगुरु गुरु हरिकृष्ण साहब पातशाह गरीब नवाज जी दे पावन पवित्र स्थान गुरुद्वारा बंगला साहब नवी दिल्ली विखे श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज की हजूरी दे जुड़ मिलके बैठी वडभागी सात संगत जी, सचे पातशाह जी दे इन्हां बचना दे विचार दास आप नाले सांझी करे। उस तो पहले बख्शिश करके सारे फतेह बुलाओ जी। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। बाई वारा हैं गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज की बाणी दे। एक वार जिस दे उते श्लोक नहीं है, नो सारियां पौड़ियां हैं, नो है सत्य बलवंडी वार। ए वार गुजरी के राग दे पंजवें पातशाह दी है। वार दा मुख पहला जेड़ा स्वरूप सी वो सिर्फ पौड़ियां सन, ते पौड़ियां दे जो भाव हैं उन्हां नाल मेल खांदे होए गुरु अर्जन देव जी महाराज ने श्लोक आप दर्ज कीते हैं। आसक वार दे सिरलेख भी इसे तरह का है। आसा मैला पहला वार श्लोकां नाल श्लोक भी महल्ले पहले के लिखे। तो गुरु नानक देव जी महाराज महला पहला आप तो ये लिख नहीं सी सकते जो श्लोक भी महल्ले पहले के लिखे, तो कोई दूसरे गुरु व्यक्ति हैं जेड़े लिख रहे ने, ते कह रहे ने श्लोक भी महल्ले पहले के लिखे। गुरु अर्जन देव जी महाराज ने वारां दे उते श्लोक आप लिखे सन। तो पौड़ियां ही मुख भाव है वारां दे, ते उन्हां दे भाव नाले जुड़दे हुए सतगुरु जी ने श्लोक नाल लिखे हैं। गुजरी की वार गुरु अर्जन देव जी महाराज की अपनी है, इस वास्ते उन्हां
पौड़ियां दे नाल जेड़े भाव मिलते ने उपदेश रूप दे पंजवें गुरदेव ने श्लोक भी अपने ही उत्ते लिखे हैं। अज दी इस पौड़ी दे जो सचे पातशाह ने ख्याल देता है उस दे चे फुरमान करदे ने मालक जी जदो सारा ही तेरा कीता होया है तो सानू तेरे कीते तो डर नहीं लगता। ते जो एवं निर्भो हो जांदा है निर्भो परमात्मा दे कीते नू पहचान लैंदा है जदो आप भी निर्भो हो गया क्योंकि निर्भो परमात्मा दे कीते नू वो पहचान गया तेरा कीता होए तो काहे डरी है। दसो किस तरह डरपी है किस तरह डर हो सकता है जदो तेरा ही कीता होया है। जो इसनू पहचानदा है सचा पातशाह कहंदे ने ओ तेरा जन ते सेवक हो जांदा है। तेरे दास त्यायन तुध तू रखण वालिया सिर सबना समर्थ नदर निहालिया। मालक जी परमेश्वर जी सब कुछ दे करन वाले तुसी हो ते तुहाडा कीता ही होंदा है तो डरे क्यों किसी व्यक्ति कोलो क्यों डरे व्यक्ति दा डर अपने मन दे च क्यों रखे। क्योंकि पता चल जांदा है मालक जी तुसी अपने दासां दे सिर उते आप खड़े होंदे हो ते उन्हां दे राखे तुसी आप हो उन्हां दे रखवाले भी तुसी आप हो। जदों तुसी उन्हां दे रखवाले हो तां आत्मक मार्ग उते जो तुहाडा रस्ता है तुहाडे तक पहुंचाण वाला जिहड़ा रस्ता है उस रस्ते दी कोई बारली रुकावट खड़ी ही नहीं हो सकती। क्योंकि जिसने तहैया कीता है जिसने निश्चित कीता है तुहाडे तक पहुंचना है तो फिर झक्खड़ झांगी मीह वरसे भी गुर देखण जाई समुंद सागर होवै बहुखारा गुरसिख लंघ गुरु पै जाई। झक्खड़ वगदे होण झांगियां पैंदियां होण समुंदर अथाह होवे। मालक जी जिसने तहैया ही कीता है निश्चित ही कीता है जिसने अपने सिर नूं तली उते रख ही लिया है तो इस बेचारे समुंदर दी की औकात इस मीह दी की बिसात इन्हां झगड़ां दी की हैसीयत जो उस पुरख नूं तुहाडे रस्ते उते चलण च रुकावट पा देवे। ये रुकावटां रुकावटां नहीं रहिंदियां। इस वास्ते मनुख उस मार्ग दे उते चलण दा उदम उपराला एफर्ट्स ये करदा है। उस उदम उपराले तो अपने आप नूं बचा के नहीं रखदा दुनिया दे च वांझा हो ही रहिंदा है जिहड़ा उदम उपराले तो एफर्ट्स तो अपने आप नूं रोक लैंदा है बचा लैंदा है। कौन बचाउंदा है जो आलसी है। कौन उदम तो अपने आप नूं बचाउंदा है जिहड़ा लेजी है। कौन बचाउंदा है जिसनूं अपने आप ते भरोसा नहीं ते मालक ते यकीन नहीं। वो हथ उत्ते हथ धर के खुंजे लग के बैठ जांदा है। ऐसा पुरख उदमी है मेहनत करदा है मुशक्कत करदा है ते उसकी मेहनत मुशक्कत नू भाग लगदे हैं फुल लगदे हैं। उसकी मेहनत मुशक्कत नू दातां दी वडियाईयां लगदियां ने
वो वांझा नहीं रहिंदा, खाली नहीं रहिंदा। सचा पातशाह गरीब नवाज फुरमान करदे ने उसके राह उत्ते चलण वाला जे तिल जितनी भी कालना कालदा है तो मेरा मालक उसकी उस कालना नू फल लाउंदा है। एक तिल नहीं भन्ने काले जियो, एक तिल जितना भी किसे दा कीता होया उदम मेरा मालक फल लाउंदा है। इस वास्ते एक पुरानी फारसी दी मतल ए बनी हुई है, हिम्मत मर्द मर्द खुदा। जिस मर्द ने हिम्मत की थी, अपनी मर्दानगी का इस्तेमाल किया, हिम्मत की थी, खुदा उसका साथ देता है, खुदा उसके नाल होता है। बस जे सच दे वास्ते उदम किया गया है तो मालक फल देता है। वो फल अपनी इच्छा के मुताबिक कदी कदी ना हो, लेकिन यह तो सब तो वड्डा फल मिलता है ना, जो मालक नाले जुड़ता है, मालक उत्ते यकीन बैठता है, भरोसा आता है, भावें तीरक भावें धक्के, एक बड़ाई दे, मालक धीरज देवे, मालक धक्के देवे, पर एक वड्याई तो दे दीती ना, अपना जान के ही तो धक्के दिते, अपना जान के ही तो धीरज दिता, धीरज भी धक्का भी मालक का अपना होया, तो यह वड्याई दीती उन्हें समझा तू मेरा है, मेरा है, ताई बार कट दिता, अपना जान के फिर बुला लेगा, फिर हाक मार लेगा, फिर कहेगा तू आ। तो तिल जितनी कालना भी अजाई नहीं जाती। इस वास्ते सचा पातशाह कहंदे ने ऐसे पुरख उस मालक दे रस्ते दे उते सच दे आसरे नाले उदम उपराले मेहनत मुशक्कत करदे रहंदे हैं, ते उन्ना मेहनत मुशक्कत दे चों रोजी रिजक कमाण दा भी ओ जेड़ा पुरख है उदम करदा है, मालक नाले जुड़न दा भी उदम ते मेहनत करदा है, ये दोनों चीजा नाले जोड़ के रखता है। सिख दे अर्थन बारो उदम करता है रोजी दे लई, अंदरों उदम करता है राजक नाले जुड़न लई, बारों मेहनत करता है भोजन कमाण लई, अंदर सुरत नू एक रस्ता देंदा है भजन कमाण लई, बारों मेहनत मुशक्कत करता है धन कमाण लई, अंदर अपनी सुरत नू उस रस्ते ते तोरन दा उदम करता है धर्म कमाण लई। इस वास्ते सिख दी जिंदगी दे जदों ये दोनों उदम आउंदे ने तो गुरु अर्जन देव जी महाराज सचा पातशाह दा ये फुरमान बड़ा प्यारा है, सुखमनी साहब दे करता पुरख दा, ऐसे पुरख नू असीस भी मिलती है, ऐसे पुरख नू एक उपदेश भी मिलता है। उपदेश ते असीस नू लैण वाला जो पुरख है वो सिख है। जो असीस मंगता है पर उपदेश नहीं चाहता वो सिख नहीं हो सके। गुरबाणी दोनों ही चीजा हैं, असीस भी है उपदेश भी है। आम तौर ते आदमी उपदेश तो दौड़ता है भजदा है, कहंदे उपदेश ना दो असीस दो, पर सचा पातशाह जिस चीज की असीस देंदे ने उसे ही चीज का उपदेश भी देंदे ने। सुखमनी साहब दे करता पुरख गरीब नवाज फुरमान करदे ने ए लोक सुखिए परलोक सुहेले नानक हर प्रभ आपे मेले। लोक सुखी चाहिदा है, दुखी नहीं चाहिदा। वो तां होवेगा जदों धन दौलत पैसा धेला
वणज वपार इस सब कुछ होवेगा ते इसका उदम होवेगा, परलोक सुहेला होवेगा जदो ए पता चलेगा भई परापत मानुख दे हुरिया गोविंद मिलन की ए तेरी बरिया अवर काज तेरे किते नकाम मिल साध संगत भज केवल नाम सरंजाम लाग। सरंजाम दे अर्थन उदम उपराला कर, व्योंत बंदी कर, तोर तरीका अपना, इस उते लग पवजल तरन के इस संसार तो बा पार जानदा भी सरंजाम कर, उदम उपराला कर, मेहनत कर, व्योंत बंदी कर, ये सब कुछ कर, नहीं तो जन्म वृथा जात रंग माया के। जप तप संजम धर्म ना कमाया सेवा साध न जानिया हर राया कहु नानक हम नीच करम शरण परे की राखो शर्म। बख्शिश कर शरण दे चाहे ए उदम उपराले दी दात दे ताकि इस भव सागर तो भी तर सकीए। गरीब नवाज सचा पातशाह ने इस लिहाज दे पौड़ी ते श्लोक दे एक ख्याल देता है जिसका एक एक बचन सरवन करिए। दास आपनू अखरी अर्थ कुछ विचारा नाल कवे, एक वारी सारे प्यार नाल आखो सतनाम श्री वाहे गुरु। गरीब नवाज सचा पातशाह श्लोक दे फुरमान करते ने श्लोक महला पंजवा। उदम करेंदियां जियो तू कमावंदियां सुख पुंच। उदम कर, मेहनत कर, मुशक्कत कर, कमाई कर, संसारक कमाई कर ते इसका सुख प्राप्त कर, इसकी वरतों कर। जिस कमाई नू तू कमा रहा है इसकी तू वरतों कर, रोक के ना रख, ब्लॉक ना कर, जमाखोरी ना कर। तू करोड़ा करोड़ा रुपया बैंकां दे च रख के उसकी वरतों ना कीती तो आप कंगला ही रह गया। इस वास्ते सुख लै, वेख ऐसा सुख लै जेड़ा सुख दुख दा कारण ना बने, वो सुख लै जेड़ा रोग दा कारण ना बने, वो सुख लै जेड़ा भटकण दा कारण ना बने। बस वो सुख केड़ा होवेगा जदों इस दे नाल नाल त्याए दिया तू प्रभु मिल नानक उतरी चिंत। उदम करके सुख लै पर सुख दे प्रति सावधान हो, वो सुख दुखी च ना बदले, वो सुख रोगां दे च ना चला जाए, वो सुख तेरी जिंदगी दी भटकणां दे ना चला जाए, वो सुख लोकां नू दुख देण वाला ना होवे। ए ताई होवेगा जदों तेरा ध्यान उस मालक दे पासे होवेगा जिस नाल तेरी सारी चिंता उतरेगी। पर मनुख दी जिंदगी दे एडा चंगा उपदेश, एडा टेक्निकल उपदेश गरीब नवाज सचा पातशाह ने स्पिरिचुअल इंजीनियरिंग कीती है। बड़े गजब दे टेक्नीशियन हैं रूहानी तौर ते, पर जे सिख भी समझ जाए तो वड्डी गल होवेगी। जेड़े अज मुश्किल है सिख भी गुरु दी बाणी दे उपदेश नू समझ नहीं रहे। उपदेश बाणी दी विचार तो अपने आप नू तोड़ के रखिया होया है, लंबे रखिया होया है।